बिसम वरिमा सल्ला वसम अलकुम क्लास एट उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे आज हम करेंगे एक्सरसाइज आई थ्री पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर टू के फ़िफ्थ पार्ट को इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज आई थ्री पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू के वन टू फोर पार्ट्स तक डिसकस कर चुके हैं इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू के फिफ्थ पार्ट की जानव चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हमने अवेल्यूएट करना है उसके बाद फिर हमने इसको बेस टू बेस फाइव और ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इसको अवेलुएट करेंगे और अवेलुएट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने एक्सप्रेस करना है बेस टू फाइव और एट सिस्टम में ठीक है तो आइए इसको अवेलुएट करते हैं तो सबसे पहली वैली वैल्यू है जो हमारी वो है सिक्स सेवन सिक्स सेवन बेस में एट है तो पहले इसे बेस एट के साथ हमें सॉल्व करना है इस वैल्यू को बेस टू के साथ सॉल्व करना है इस वैल्यू को बेस फाइव से इसको भी बेस फाइव से और इस वैल्यू को बेस टू से जिन जिन बेसिस के साथ ये क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं पहले इन बेसिस के साथ इनको अवेलुएट किया जाएगा अवेल्यूएट करने से जो आंसर आएगा उसको हमें यहाँ इनकी प्लेसेस पर पुट करना है देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास एक आंसर आ जाएगा उस एक आंसर को फिर हम कन्वर्ट करेंगे बेस टू फाइव और एट सिस्टम में तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो है सिक्स सेवन सिक्स सेवन बेस एट तो इसे बेस एट के साथ हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर है सिक्स तो सिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस में एट है एट के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करके इस सेवन को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस में एट है एट के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस सिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें बेस में एट है एट के साथ प्लस लास्ट नंबर है सेवन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस में एट है एट के साथ ही अब हमें राइट right साइड से एक्सपोनेंट्स लगा लेने हैं इसके ऊपर तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जीरो आ जाएगा उसके बाद ये जो बेस है इस पर वन और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बेस का नंबर है वो है एट और इसके ऊपर टू एक्सपोनेंट और उसके बाद थ्री ठीक है जीरो वन टू एंड थ्री अब सिक्स मल्टीप्लाई एट का एक्सपोनेंट थ्री है इट मीन्स कि हमें एट को थ्री टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटी फोर और फिर सिक्सटी फोर को इस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट फोर टाइम थर्टी टू टू आ जाएगा थ्री कैरी चला जाएगा 8, 6 48, 48 एट सिक्स टाइम फोर्टी एट और फोटी एट में थ्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा फिफ्टी वन तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव वन टू प्लस सेवन मल्टीप्लाई एट का एक्सपोनेंट टू है एट का एक्सपोनेंट टू का मतलब है एट मल्टीप्लाई एट तो एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर प्लस सिक्स मल्टीप्लाई एट का एक्सपोनेंट वन है इट मींस के एट प्लस सेवन मल्टीप्लाई एट का एक्सपोनेंट वन है तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट वन का मतलब जीरो किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट जीरो होता है उसका मतलब होता है वन ठीक तो है तो यहाँ एट का एक्सपोनेंट जीरो है इट मीन्स के यहाँ पे वन आ जाएगा अब हमें फाइव वन टू को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है फाइव वन टू मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स टू टाइम ट्वेल्व टू आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा सिक्स वन टाइम सिक्स और वन कैरी ऐड किया तो सेवन और सिक्स फाइव टाइम थर्टी तो इसलिए यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा थ्री जीरो सेवन टू प्लस सिक्सटी फोर को हमें सेवन से मल्टीप्लाई करना है सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई सेवन तो सेवन फोर टाइम ट्वेंटी एट हो जाता है ठीक है तो ट्वेंटी एट का ये जो एट है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और जो टू है वो कैरी के तौर पे चला जाएगा सेवन सिक्स टाइम फोर्टी टू और फोर्टी टू में टू ऐड करेंगे तो फोर्टी फोर तो यूँ इस तरह से सिक्सटी फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया डबल फोर एट प्लस सिक्स को एट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एट टाइम फोर्टी एट प्लस सेवन वन टाइम सेवन अब हमें इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेना है प्लस कर लेना है थ्री जीरो सेवन टू प्लस डबल फोर एट प्लस फोर्टी एट और प्लस सेवन तो इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सिक्स सेवन सिक्स सेवन बेस एट का आंसर आ जाएगा एट और टू हमारे पास टेन हो जाएंगे टेन और, 8, 18 और 18 एट एटीन और एटीन में सेवन ऐड करेंगे तो एट और सेवन फिफ्टीन फाइव आ जाएगा वन कैरी और वन प्लस वन टू तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का ये फ़ाइव यहाँ पे आ जाएगा और ये जो टू है ये कैरी के तौर पर आ जाएगा ठीक है सेवन में टू ऐड करेंगे तो नाइन नाइन में फोर ऐड किए तो थर्टीन और थर्टीन में फ़ोर ऐड किए तो सेवनटीन तो सेवनटीन का ये जो सेवन है इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये जो वन है इसे लेफ्ट साइड में कैरी के तौर पे ले लेंगे जीरो प्लस वन वन हो जाएगा वन और फोर कितने आ जाएंगे फाइव और नेक्स्ट क्या आ जाएगा थ्री तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया थ्री फाइव सेवन फाइव तो यू हमने सिक्स सेवन सिक्स सेवन को बेस एट के साथ सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया थ्री फाइव सेवन फाइव अब हम नेक्स्ट नंबर जो है बेस टू के साथ इसको सॉल्व करेंगे बिस्मिन वहीम सेकेंड वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है बेस में टू है टू के साथ तो यहाँ पे ब्रैकेट में जितने नंबर्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है बेस में टू है टू के साथ वन मल्टीप्लाई आ जाएगा बेस में टू है टू के साथ उसके बाद ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम प्लस के साइन को यूज़ करते हुए अगला नंबर जो है वो वन है मल्टीप्लाई टू प्लस सेकेंड वन है जो हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस थर्ड वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस फोर्थ वाले वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस लास्ट वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है बेस में टू है टू के साथ प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है तो टू के साथ अब हमें इन तमाम जो हमारे पास बेस वाले नंबर हैं टू इनको ऊपर हम एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेंगे राइट right साइड से एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है अब हमें इनके इन एक्सपोनेंट्स के साथ मज़ीद आगे सॉल्व कर लेना है वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट एट है इट मीन्स कि हमें टू को एट टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगर हम इन फ़ोर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन इसी तरह इन इन फोर टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट ए टू टाइम सिक्सटीन तो अब हम सिक्सटीन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिक्स सिक्स टाइम थर्टी सिक्स सिक्स आ जाएगा थ्री कैरी चला जाएगा और उसके बाद सिक्स वन टाइम सिक्स और थ्री ऐड करेंगे तो नाइन और उसके बाद वन सिक्स टाइम सिक्स एंड वन वन टाइम वन अब इनको ऐड कर लेते हैं सिक्स सिक्स और नाइन फिफ्टीन फाइव आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू तो इस तरह से टू को अगर एट टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आ जाता है टू फाइव सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट सेवन है अब हमें टू को सेवन टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन सिक्सटीन टू टाइम थर्टी टू और थर्टी टू टाइम सिक्सटी फोर तो हमने टू को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या है सिक्सटी फोर तो एक दफा और मल्टीप्लाई कर लेंगे टू फोर टाइम एट टू सिक्स टाइम ट्वेल्व तो इस तरह से टू को सेवन टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया वन टू एट उसके बाद प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट सिक्स है तो टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करें तो टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट सिक्सटीन और सिक्सटी टू टाइम थर्टी टू और ठीक है टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाता है सिक्सटी फोर प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट फाइव है तो टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड टू थ्री फोर एंड फाइव तो अगर फाइव टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एन और सिक्सटीन टू टाइम क्या आ जाता है थर्टी टू तो इस तरह से टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया है थर्टी टू प्लस हमारे पास है वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपेरेंट फोर है इट मीन्स कि हमें टू को फोर टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्सटीन प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपेरेंट थ्री है इट मीन्स कि हमें टू को थ्री टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है टू टू टाइम फोर और फोर टू टाइम क्या आ जाएगा एट प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट टू है टू का एक्सपोनेंट टू का मतलब है फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट वन है इट मीन के टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट जीरो है तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट जीरो का मतलब है वन इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू फाइव सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टू फाइव सिक्स ही आ जाएगा प्लस जीरो को वन टू एट से मल्टीप्लाई किया तो जीरो प्लस सिक्सटी फोर वन टाइम सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू वन टाइम थर्टी टू प्लस वन सिक्सटीन टाइम सिक्सटीन और उसके बाद प्लस वन एट टाइम एट प्लस वन फोर टाइम फोर और उसके बाद है प्लस ज़ीरो टू टाइम ज़ीरो और प्लस वन वन टाइम क्या आ जाएगा वन अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है प्लस कर लेना है तो हमारे पास इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से जो आंसर है वो आ जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं जिनको हमें प्लस कर लेना है वो है टू फाइव सिक्स पहले हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं टू फाइव सिक्स प्लस सिक्सटी फोर थर्टी टू सिक्सटीन एट फोर और ये वन एट और फोर ट्वेल्व और वन थर्टीन ठीक है सिक्सटी फोर थर्टी टू और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है हमने इन सबको ऐड कर लिया एट फोर और वन को ठीक है इन तीन वैल्यूज़ को हमने लिख लिया सिक्सटी फोर थर्टी टू सिक्सटीन ठीक है और एट और फोर ट्वेल्व और ये वन थर्टीन अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं फोर और टू सिक्स सिक्स और सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व में थ्री ऐड करेंगे तो फिफ्टीन ठीक है तो फिफ्टीन का ये फाइव यहाँ पे आ जाएगा और ये वन कैरी के तौर पे आ जाएगा सिक्स प्लस वन सेवन सेवन और थ्री टेन टेन और वन इलेवन एड वन ट्वेल्व, तो यूं इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया वन टू फाइव अब टू फाइव सिक्स में हम वन टू फाइव जो है ये ऐड कर लेंगे टू फिफ्टी सिक्स प्लस वन टू फाइव तो सिक्स और फाइव इलेवन वन आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स और टू एट और टू प्लस वन थ्री तो यूं इस तरह से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है थ्री एट वन वन जीरो उसके बाद फाइव टाइम वन था जीरो वन और बेस टू थी तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया थ्री एट वन अब हम थर्ड वैल्यू जो कि फोर टू वन थ्री बेस फाइव है इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही थर्ड पार्ट है इसको हमने सिम्प्लीफाई करना है बेस में फाइव है फाइव के साथ तो हम फोर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में फाइव है फाइव के साथ प्लस इस टू को मल्टीप्लाई करना है हमें बेस में फ़ाइव है फाइव के साथ प्लस इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में फाइव है फाइव के साथ प्लस इस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में फाइव है तो फाइव के साथ अब हमें इन तमाम के ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाएंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट जीरो आ जाएगा उसके बाद वन देन टू और थ्री ठीक है फोर मल्टीप्लाई फाइव का एक्सपेरेंट थ्री है इट मीन्स कि हमें फाइव को थ्री टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है फाइव फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई फाइव के एक्सपोनेंट टू है इट मीन्स कि हमें फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो फाइव फाइव टाइम क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन मल्टीप्लाई फाइव का एक्सपेरेंट वन है तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट वन हो उसका मतलब वही वैल्यू है प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव का एक्सपोनेंट जीरो है तो किसी नंबर के एक्सपोनेंट जीरो का मतलब है वन अब यहाँ पे देखें फोर को हमें मल्टीप्लाई करना है वन टू फाइव से तो वन टू फाइव को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर से तो फोर फाइव टाइम ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी का ये जीरो यहाँ पे आएगा टू कैरी चला जाएगा फोर टू टाइम एट और टू ऐड करेंगे तो टेन तो टेन का ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा और ये वन कैरी के तौर पे आ जाएगा फोर वन टाइम फोर और वन ऐड करेंगे तो फाइव तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 500 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 25 फाइव मल्टीप्लाई टू टू फाइव टाइम टेन जीरो आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा टू टू टाइम फोर और वन ऐड करेंगे तो फाइव तो इस तरह से यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा फिफ्टी प्लस वन फाइव टाइम क्या आ जाएगा फाइव प्लस थ्री वन टाइम क्या आ जाएगा थ्री अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं फाइव हंड्रेड प्लस हमारे पास फिफ्टी और फाइव फिफ्टी फाइव और फिफ्टी फाइव में थ्री ऐड करिए तो फिफ्टी एट तो 500 हंड्रेड प्लस फिफ्टी तो क्या आंसर आ जाएगा 558 हंड्रेड फिफ्टी एट इसमें लाइन नेक्स्ट नंबर जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है वो है 1423 फोर टू थ्री यहाँ पर बेस फाइव है तो इसको बेस फाइव के साथ हम सॉल्व करेंगे वन मल्टीप्लाई फ़ाइव आ जाएगा प्लस फोर मल्टीप्लाई बेस फाइव है तो फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में फाइव है फाइव के साथ और एंड द लास्ट प्लस इस थ्री को भी मल्टीप्लाई करेंगे बेस में फाइव है तो फाइव के साथ अब हमें एक्सप्रेंट यूज़ कर लेने हैं राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाएंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा फिर वन टू एंड थ्री वन मल्टीप्लाई फाइव का एक्सपोनेंट थ्री है तो फाइव को अगर थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइव फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाई फाइव का एक्सप्रेंट टू है इट मीन्स के फाइव फाइव को फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव आएगा प्लस टू मल्टीप्लाई फाइव का एक्सपेरेंट वन है इट मींस के फाइव है प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव के एक्सपेरेंट जीरो है तो किसी भी नंबर के एक्सपेरेंट जीरो का मतलब है वन उनको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं वन ट्वेंटी फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फोर फोर फाइव टाइम ट्वेंटी जीरो आ जाएगा टू कैरी चला जाएगा फोर टू टाइम एट और टू ऐड करेंगे तो टेन तो यू हमारे पास ट्वेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया हंड्रेड प्लस टू फाइव टाइम टेन प्लस थ्री वन टाइम थ्री अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है प्लस कर लेना है वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन हंड्रेड वन हंड्रेड टेन और थर्टीन ठीक है तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो क्या आ गया वन हंड्रेड थर्टीन अब हम वन ट्वेंटी फाइव में वन थर्टीन जो है वो ऐड कर लेंगे वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन वन थ्री फाइव ओ थ्री एट टू प्लस वन थ्री वन प्लस वन टू तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है वन फोर टू थ्री को बेस फाइव से सोल्व करने से हाँ इसको सिंप्लीफाई किया है तो टू थ्री एट बिस्मिल्ल लास्ट है हमारे पास यहाँ पे हमें इसको बेस टू के साथ सॉल्व करना है तो यहाँ फर्स्ट में वन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज करते हुए इस थर्ड वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस के साइन को यूज़ करते हुए इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करते हुए इस वन को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस इस थर्ड वन को मल्टीप्लाई करेंगे बेस टू है टू के साथ फिर प्लस इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ उसके बाद प्लस इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे बेस में टू है टू के साथ फिर प्लस लास्ट में ये जो वन है इसे मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ ठीक है अब हमें इन तमाम जो हमने बेसिस के साथ मल्टीप्लिकेशन की है इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं तो राइट right साइड से एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा उसके बाद वन देन टू उसके बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो वन मल्टीप्लाई टू की पावर नाइन है इट मीन्स कि हमें टू को नाइन टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन टाइम हम इन टूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन थ्री टूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट इसी तरह इन थ्री टूज को मल्टीप्लाई किया तो एट और इसी तरह इन थ्री टूज को टू टाइम फोर फोर टू टाइम क्या आ गया एट अब इन तीनों एट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एट एट टाइम सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर को इस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट फोर टाइम थर्टी टू टू आ जाएगा थ्री कैरी चला जाएगा एट सिक्स टाइम फोर्टी एट और थ्री ऐड करेंगे तो फिफ्टी वन तो इस तरह से टू को नाइन टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है फाइव वन टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट एट है इट मीन्स कि हमें टू को एट टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो 8 टू को एट टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन इसी तरह हम इधर भी टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सिक्सटीन अब हम सिक्सटीन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि टू को एट टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है सिक्स सिक्स टाइम थर्टी सिक्स सिक्स आ जाएगा थ्री कैरी सिक्स वन टाइम सिक्स और थ्री करेंगे तो नाइन और वन सिक्स टाइम सिक्स एंड वन वन टाइम वन अब इनको ऐड कर लेंगे सिक्स नाइन और सिक्स फिफ्टीन फाइव आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा one plus one, two. तो इस तरह से टू को एट टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है टू फाइव सिक्स प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट सेवन है इट मीन्स कि हमें टू को सेवन टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो इन थ्री टूज को मल्टीप्लाई किया तो एट और इसी तरह ने फोर फोर टू टाइम एट और एट ए टाइम सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर को इस टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे टू फोर टाइम ए टू सिक्स टाइम ट्वेल्व तो यूँ इस तरह से टू को सेवन टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है वन टू एट प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट सिक्स है इट मीन्स कि हमें टू को सिक्स टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो टू मल्टीप्लाई टू एंड टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो टू टू टाइम फोर टू टाइम फोर और टू टाइम फोर तो फोर फोर टाइम सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर टाइम सिक्सटी फोर ठीक है तो इस तरह से हमारे पास जो है वो टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ जाता है सिक्सटी फोर प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपरेंट फाइव है तो टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने से देखते हैं क्या आता है वन टू थ्री फोर फाइव तो टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन और सिक्सटीन टू टाइम थर्टी टू तो इस तरह से टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया थर्टी टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट फोर है इट मीन्स कि हमें टू को फोर टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो अगर हम टू को फोर टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट एट टू टाइम सिक्सटीन आ जाता है प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट थ्री है इट मीन्स कि हमें टू को थ्री टाइम आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट आ जाएगा ठीक है उसके बाद प्लस हमारे पास है जीरो मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट टू तो टू का एक्सपोनेंट टू का मतलब है फोर प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू आ जाएगा प्लस वन मल्टीप्लाई टू का एक्सपोनेंट जीरो है इसका मतलब है वन अब इनको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो फाइव वन टू को वन से मल्टीप्लाई मतलब किया तो फाइव वन टू ही आ गया प्लस टू फाइव सिक्स को वन से मल्टीप्लाई मतलब किया तो टू फाइव सिक्स ही आ जाएगा प्लस वन ट्वेंटी एट को वन से मल्टीप्लाई मतलब किया तो वन ट्वेंटी एट प्लस जीरो सिक्सटी फोर टाइम जीरो उसके बाद प्लस वन थर्टी टू टाइम थर्टी टू प्लस वन सिक्सटीन टाइम सिक्सटीन प्लस वन एट टाइम एट प्लस ज़ीरो फोर टाइम ज़ीरो प्लस जीरो टू टाइम ज़ीरो उसके बाद प्लस वन वन टाइम क्या आ जाएगा वन ठीक है अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा ठीक है तो इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं फाइव वन टू प्लस टू फाइव सिक्स उसके बाद है वन टू एट देन है थर्टी टू उसके बाद है सिक्सटीन सिक्सटीन के बाद है एट और प्लस वन नाइन इन सबको ऐड कर लेंगे तो सिक्स और टू एट एट और एट सिक्सटीन सिक्सटीन और टू एटीन और एटीन में हम सिक्स ऐड करेंगे तो एट और सिक्स फोरटीन फोर आ गया वन कैरी ये क्या आ गया ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर में अब हम नाइन ऐड करेंगे तो नाइन और फोर थर्टीन थ्री आ जाएगा वन कैरी टू प्लस वन थ्री तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री का ये जो थ्री है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और जो थ्री है सेकेंड वाला उसको कैरी के तौर पे लेंगे उसके बाद देखें थ्री प्लस वन फोर फोर और फाइव नाइन नाइन और टू टेन इलेवन इलेवन में थ्री ऐड किया तो 14 14 में वन ऐड किया तो फिफ्टीन तो फिफ्टीन का ये जो फ़ाइव है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो वन है इसे कैरी के तौर पर ले लेंगे फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स और टू एट और ये वन ऐड किया तो नाइन तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया नाइन फाइव थ्री अब हमें इनको सिंप्लीफाई अवेल्युएट करने से जो आंसर्स आए हैं उनको यहाँ पे पुट करके मज़ीद अवेलुएट कर लेना है तो सिक्स सेवन सिक्स सेवन को बेस एट के साथ हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सिक्स सेवन सिक्स सेवन को बेस एट के साथ सॉल्व करने से जो आंसर है वो आया थ्री फाइव सेवन फाइव तो इसकी प्लेस पे हमें ये पुट कर देना है थ्री फाइव सेवन फाइव उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको देखते हैं उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टाइम करली ब्रैकेट इसको यूज़ कर लिया वन जीरो उसके बाद फाइव टाइम वन जीरो वन बेस टू के साथ तो इसको हमने वन जीरो फाइव टाइम वन ज़ीरो वन इसको बेस टू के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया थ्री एट वन तो इसकी प्लेस पे हम थ्री एट वन पुट कर देंगे उसके बाद माइनस है फोर टू वन थ्री बेस फाइव फोर टू वन थ्री को बेस फाइव के साथ हमने सॉल्व किया फोर टू वन थ्री बेस फाइव तो आंसर हमारे पास अगर आया डबल फाइव एट तो इसकी प्लेस पे हम इसका आंसर पुट करेंगे डबल फाइव एट प्लस वन फोर टू थ्री बेस फाइव तो वन फोर टू थ्री बेस फाइव के साथ इसको सॉल्व किया आंसर आया टू थ्री एट तो इसकी प्लेस पे इसको पुट करेंगे टू थ्री एट उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास माइनस इसका साइन यूज़ किया और लास्ट वैल्यू है हमारे पास ट्रिपल वन जीरो ट्रिपल वन ज़ीरो ज़ीरो वन तो इसको हमने सिम्प्लीफाई किया लास्ट पे तो हमारे पास इसको सिम्प्लीफाई करने से ट्रिपल वन जीरो ट्रिपल वन डबल ज़ीरो वन तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आया नाइन फाइव थ्री तो इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे नाइन फाइव थ्री अब इन वैल्यूज़ को सिम्प्लीफाई कर लेंगे मजीद अवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस टू फाइव और एट सिस्टम में ठीक है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले ये ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है थ्री फाइव सेवन फाइव माइनस करली ब्रैकेट तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टू वैल्यूज जो हैं वो प्लस की हैं और टू वैल्यूज़ माइनस की हैं तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं हम इन्हें भी प्लस करेंगे और जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें भी प्लस करेंगे लेकिन इनके साथ साइन माइनस का लगाएंगे पहले हम टू थ्री एट में ऐड करेंगे थ्री एट फाइव एट वन इसको पहले अरेंज कर लेते हैं पहले हम थ्री एट वन लिखेंगे उसके बाद प्लस टू ए थ्री एट लिखेंगे उसके बाद ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ लिखेंगे माइनस डबल फाइव एट और माइनस फाइव थ्री नाइन फाइव थ्री ठीक है अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास टू वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस की हैं और टू वैल्यूज़ माइनस की हैं तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे थ्री एट वन इसमें हमें ऐड करना है टू थ्री एट को तो देखें वन प्लस एट हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन और उसके बाद है एट प्लस थ्री इलेवन वन आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा थ्री प्लस वन फोर और टू ऐड करेंगे तो सिक्स है तो इस तरह से इन दोनों को प्लस करने से क्या आंसर आ गया सिक्स वन नाइन ये दोनों वैल्यूज़ माइनस किए हैं तो जब दोनों वैल्यूज़ माइनस किए हूँ तो हम करते प्लस हैं लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं डबल फाइव एट में हमने ऐड करने हैं नाइन फाइव थ्री तो एट और थ्री इलेवन वन आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा फाइव में ऐड कर लेंगे सिक्स हो जाएगा सिक्स और फाइव इलेवन वन आ गया वन कैरी चला गया फाइव प्लस वन सिक्स और सिक्स में नाइन ऐड किए तो फिफ्टीन ठीक है तो यूँ इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया माइनस वन फाइव डबल वन वन फाइव डबल वन अब हमें इस वैल्यू से इसको माइनस कर लेना है ठीक है क्योंकि अब हमारे पास एक साइन प्लस का है एक माइनस का है ठीक है इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा इसका साइन प्लस का है और इसका साइन माइनस का है जब इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हों कि एक साइन पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हम माइनस करते हैं लेकिन जो आंसर है उसके साथ साइन बड़ी वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं वन फाइव डबल वन और इसके साथ साइन माइनस का है और दूसरी वैल्यू हमारे पास सिक्स वन नाइन और इसके साथ साइन प्लस का है इसको हम सेपरेट कर लेंगे वन से नाइन सेपरेट नहीं होंगे इस वन से कैरी लिया यहाँ हमारे पास इलेवन हो गए इलेवन से नाइन सेपरेट किया तो टू आ गया यहाँ रिमेनिंग मीनिंग जीरो रह गया अब इस फाइव से कैरी लिया यहाँ टेन हो गए टेन से वन माइनस किया तो नाइन यहाँ मैं नहीं फोर रह गए और फोर से सिक्स आप नहीं होंगे इस वन से कैरी लिया यहाँ फोर्टीन और फोर्टीन से सिक्स माइनस किए तो क्या आ गया एट और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा लेंगे ठीक है तो इस तरह से अगर हमारे पास एक साइन माइनस क्या हो एक साइन प्लस का हो तो हम माइनस करते हैं लेकिन जो आंसर है उसके साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं और ग्रेटर कौन सी थी वन फाइव डबल वन तो यूं इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास क्या आंसर आ गया माइनस एट नाइन फाइव अब यहां पे देखें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई इट मींस के हमारा ये जो साइन है माइनस का ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा प्लस और नेक्स्ट क्या वैल्यू है एट नाइन टू अब इन दोनों वैल्यूज को हमने प्लस कर लेना है एड कर लेना है थ्री फाइव थ्री फाइव सेवन फाइव प्लस एट नाइन टू तो फाइव और टू सेवन और सेवन और नाइन हमारे पास सेवन और सेवन फोर्टीन टू सिक्स आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स और एट फोर्टीन तो फोर्टीन का फोर आ जाएगा वन कैरी चला जाएगा तो थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा फोर तो यू इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया डबल फोर सिक्स सेवन ठीक है इन सारी वैल्यूज़ को पहले हमने इन बेसिस के साथ अवेलुएट किया बेसिस के साथ अवेल्यूएट करने से जो आंसर्स आए उनको यहाँ पुट किया और उसके बाद हमने इसको अवेलुएट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया डबल फोर सिक्स सेवन अब इस आंसर को हमने बेस टू बेस फाइव और बेस एट में चेंज करना है अब हम कन्वर्ट करेंगे इस वैल्यू को बेस टू सिस्टम में तो हमारे पास वैल्यू है डबल फ़ोर सिक्स सेवन इसको डिवाइड करते जाएंगे टू से टू टू टाइम फोर टू टू टाइम फोर टू थ्री टाइम सिक्स सेवन है तो टू थ्री टाइम सिक्स सेवन थे सिक्स कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग वन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू रिक्वायर्ड है तो टू वन टाइम टू अगेन टू रिक्वायर्ड है तो टू वन टाइम टू उसके बाद थ्री है तो टू वन टाइम टू तो यहाँ थ्री है टू कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग वन रह गया वन इस थ्री के साथ आया तो थर्टीन तो टू सिक्स टाइम ट्वेल्व यहाँ थर्टीन थे ट्वेल्व कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग वन उसके बाद देखें यहाँ पे इलेवन है ठीक है तो हम इसको टू फाइव टाइम करेंगे तो टू फाइव टाइम टेन यहाँ इलेवन है टेन कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग वन रह गया वन इस वन के साथ आया तो इलेवन और अगेन टू फाइव टाइम टेन हो जाएगा ठीक है और यहाँ इलेवन थे टेन कम्प्लीट हुए तो वो वन इस सिक्स के साथ आया तो सिक्सटीन तो टू एट टाइम सिक्सटीन तो इस तरह से टू का टेबल डबल फाइव एट टाइम रीड किया तो ट्रिपल वन सिक्स आ गया और रिमेनिंग क्या रह गया जीरो ठीक है क्योंकि कम्प्लीटली तौर पे ये वैल्यू डिवाइड हो गई उसके बाद फाइव है तो टू टू टाइम फोर यहाँ फाइव हैं फोर कंप्लीट हुए तो वन इस फाइव के साथ आया फिफ्टीन तो टू सेवन टाइम फोर्टीन यहाँ फिफ्टीन है फोर्टीन कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग वन वन इस एट के साथ आया तो टू नाइन टाइम एटीन ठीक है और ये भी कंप्लीटली तौर तो पे डिवाइड हो गया तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहा इट मीन्स कि जीरो आ जाएगा रिमाइंडर में तो उसके बाद है टू वन टाइम टू यहाँ सेवन है तो टू थ्री टाइम सिक्स यहाँ सेवन है सिक्स कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग वन वन इस नाइन के साथ आया तो नाइनटीन तो टू नाइन टाइम एटीन यहाँ नाइनटीन है एटीन कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग वन ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वन थ्री नाइन तो टू का टेबल हमने रीड किया सिक्स टाइम तो टू सिक्स टाइम ट्वेल्व यहाँ थर्टीन है ट्वेल्व कम्प्लीट हुए रिमेनिंग वन रह गया वन इस नाइन के साथ आया तो नाइनटीन तो टू नाइन टाइम एटीन यहाँ नाइनटीन है एटीन कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए वन उसके बाद है सिक्सटी नाइन तो टू थ्री टाइम सिक्स और नाइन है तो टू फोर टाइम एट यहाँ नाइन है एट कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग वन उसके बाद ने, नेक्स्ट टाइम हमारे पास थर्टी फोर तो टू वन टाइम टू यहाँ थ्री है टू कम्प्लीट हुए वन इस फोर के साथ आ जाएगा तो टू सेवन टाइम फोरटीन है तो रिमेनिंग तो कितने रह गए जीरो उसके बाद सेवनटीन है तो टू एट टाइम सिक्सटीन यहाँ सेवनटीन है सिक्स के सिक्सटीन कम हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए वन उसके बाद एट है तो टू फोर टाइम एट यहाँ रिमेनिंग जीरो रह गया क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता उसके बाद फोर है तो टू टू टाइम फोर ये भी कम्प्लीटली तौर तो पे डिवाइड हो गया और रिमेनिंग जीरो उसके बाद हमें टू रिक्वायर है तो टू वन टाइम टू और ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया रिमेनिंग ज़ीरो इस तरह से हमने इसको बेस टू के साथ सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया वन उसके बाद ट्रिपल ज़ीरो उसके बाद वन जीरो फिर ट्रिपल वन और उसके बाद डबल जीरो फिर डबल वन ठीक है तो इसका आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करने से डबल फोर सिक्स सेवन इसको लिखेंगे और फिर हम उसके बाद इक्वल में इस बेस टू के आंसर को लिखेंगे तो इसका बेस टू के साथ आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है जो क्वेश्चन स्टार्ट में हमें दिया गया था इसको हमने एवेलुएट किया तो हमारे पास डबल फोर सिक्स सेवन आया फिर हमने इस डबल फोर सिक्स सेवन को बेस टू में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया है वन ट्रिपल जीरो उसके बाद है हमारे पास वन ज़ीरो और वन ज़ीरो के बाद हमारे पास वन टू थ्री ट्रिपल वन ट्रिपल वन के बाद है हमारे पास डबल जीरो और डबल वन और इसको हमने क्लोज कर देना है बेस ट्रू सिस्टम में बस्मिल्लाम अब हम डबल फ़ोर सिक्स सेवन को बेस फ़ाइव सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम फाइव से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ फ़ोर्टी फ़ोर है फाइव एट टाइम फोर्टी यहाँ फ़ोटी फ़ोर है फोर्टी कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग फ़ोर रह गया फोर एट सिक्स के साथ आ जाएगा तो फ़ोर्टी सिक्स तो फ़ाइव के टेबल हमें रीड करना है नाइन टाइम तो फोर्टी फाइव हो जाएंगे यहाँ फ़ोटी सिक्स हैं तो रिमेनिंग वन रह गया सेवनटीन आ गया ठीक है उसके बाद फ़ाइव थ्री टाइम फिफ्टीन और यहाँ सेवनटीन है फ़िफ्टीन कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए टू उसके बाद यहाँ पे एट है तो फाइव वन टाइम फाइव और यहाँ से थ्री आगे चले जाएंगे थर्टी नाइन हो जाएगा तो फाइव के टेबल रीड करेंगे सेवन टाइम तो थर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है तो थर्टी नाइन से फोर माइनस कर देंगे तो वो फोर इस थ्री के साथ आ जाएगा फोर्टी थ्री हो जाएगा तो फाइव का टेबल अगर हम एट टाइम रीड करते हैं तो फोर्टी हो जाएगा फोर्टी थ्री है फोर्टी कम्प्लीट हुए तो रिमेनिंग थ्री उसके बाद फाइव थ्री टाइम करेंगे तो फिफ्टीन हो जाएंगे यहाँ सेवनटीन है फिफ्टीन कम्प्लीट हुए रिमेनिंग टू रह गया टू इस एट के साथ आया ट्वेंटी एट तो फाइव के टेबल फाइव टाइम रीड करेंगे तो फाइव फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव यहाँ ट्वेंटी एट हैं ट्वेंटी फाइव कम्प्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे थ्री उसके बाद थर्टी फाइव है तो फाइव सेवन टाइम थर्टी फाइव और रिमेनिंग जीरो उसके बाद सेवन है तो फाइव वन टाइम फाइव और रिमेनिंग हमारे पास टू रह जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हम इसके आंसर के लिए वन टू ज़ीरो डबल थ्री टू और बेस फाइव में से क्लोज़ कर देंगे तो यू हमने आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट में हमें दिया गया था उसको लिखा इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास डबल फोर सिक्स सेवन आया उसको यहाँ पे इक्वल के बाद लिखा और इसके बाद हमने बेस फाइव सिस्टम में जो आंसर आया है वन टू ज़ीरो डबल थ्री टू और इसको हमने क्लोज़ कर देना है बेस फाइव सिस्टम में अब हम इस वैल्यू को बेस एट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 44 है तो एट के टेबल को अगर हम फाइव टाइम रीड करते हैं तो 40 कंप्लीट होते हैं रिमेनिंग फोर रह जाते हैं फोर इस सिक्स के साथ आएगा तो 46 हो जाएगा तो एट सिक्स टाइम 48 जो कि 46 से ग्रेटर हो जाता है फिर ए टाइम हम फाइव टाइम रीड करेंगे तो फोर्टी हो जाएगा तो जो हमारे पास रिमेनिंग सिक्स हैं वो इस सेवन के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर सिक्सटी हो जाएगा तो एट ए टाइम सिक्सटी फोर यहाँ सिक्सटी हो रहे हैं तो 67 से हम 64 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे थ्री उसके बाद हम ऐट के टेबल से डिवीजन करेंगे तो एट सिक्स टाइम फोर्टी एट ठीक है यहाँ फिफ्टी फाइव हैं फोर्टी एट कम्प्लीट हो रहे हैं तो फिफ़्टी फाइव से फोर्टी एट माइनस करके देखते हैं कितने रिमेनिंग रहते हैं इधर से कैरी लिया फ़िफ्टीन तो फिफ्टीन से एट माइनस किया तो सेवन तो सेवन इसे एट के साथ आएगा तो सेवनटी एट हो जाएगा तो एट नाइन टाइम सेवनटी टू तो यहाँ सेवनटी एट हैं तो माइनस कर देंगे सेवेंटी टू तो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे सिक्स ठीक है, है तो यहाँ पे रिमाइंडिंग रिमेनिंग रिमाइंडर में हमारे पास सिक्स आ जाएंगे उसके बाद सिक्सटी नाइन है एट का टेबल रीड करेंगे सिक्सटी नाइन आए एट ए टाइम सिक्सटी फोर यहाँ सिक्सटी नाइन है सिक्सटी फोर कंप्लीट हो रहे हैं तो सिक्सटी फोर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे फाइव ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव उसके बाद एट है तो एट वन टाइम एट और रिमेनिंग ज़ीरो अब हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद ये आंसर लिखेंगे और देन उसके बाद इसका बेस एट सिस्टम में आंसर लिखेंगे यूँ इस तरह से ये क्वेश्चन हमने लिखा इसको हमने सिंपलीफाई या किया था तो आंसर आया था डबल फोर सिक्स सेवन और डबल फोर सिक्स सेवन को हमने ऑक्टल सिस्टम बेस एट में चेंज किया है तो क्या आया है वन ज़ीरो फाइव सिक्स थ्री और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस एट के साथ